नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, रिवर्स स्वीप में छक्का कैसे मारे, चौका कैसे मारे, ये बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन आ रहा है। तो रिवर्स स्वीप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पहले तो आपको सीधे मारना सीखना होगा। अगर आपका सीधा छक्का लगता है, चौका लगता है, तो तब जाके आप रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आपको आगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप उल्टा शॉट कभी नहीं मार सकते। फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हाथ को बदलना। पहली प्रैक्टिस आपने इसी की करनी होगी कंटिन्यूसली। अगर आप सीधे जाके वीडियो देख के मैच में ट्राई करेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा। अब ये रिवर्स स्वीप दो टाइप से मारते हैं, एक तो जैसे सीधे ऐसे उल्टा हाथ करके है, ये दाहिना हाथ हमारा नीचे रहता है। आजकल कई बार लोग बाएं हाथ को चेंज करके भी मार रहे हैं, तो मैंने तो इस टाइप से कभी नहीं मारा बाएं हाथ चेंज करके। मैंने जब भी मारा ऐसे करके मारा, नीचे करके। तो कई लोग ऐसे मारते, तो इसको सबसे पहले आपने इसकी प्रैक्टिस करनी होगी कंटिन्यू। आप यहाँ से बिल्कुल रेडी रहिए, जैसे कि आप इस साइड को शॉट मार रहे हैं, ऑन साइड को बॉल अचानक आती है तो कंटिन्यू इसका, इस तरह से कंटिन्यू इसका प्रैक्टिस करना होगा आपने। जब आपका ये परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका बैट का स्विंग बनाना ज़रूरी है। ये पहली सीढ़ी है रिवर्स स्वीप के लिए। आपके पैरों का इस टाइप की ड्रिल आपने कंटिन्यू करनी पड़ेगी, ताकि आपका बैट का और पैरों का जो है फ्लो सही हो सके। अगर आप डायरेक्ट शॉट मारना सीखेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको सीखने में, क्योंकि ये पहले ड्रिल करना ज़रूरी है कंटिन्यू इस टाइप से। जब ये आप सीख जाते हैं, उसके बाद ये दो टाइप की बॉल में आप ज़्यादा मार सकते हैं, एक फुल लेंथ में, एक शॉर्ट बॉल में। फिर इसमें आपने उसी टाइप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो फुल लेंथ की बॉल है। अपने फ्रेंड से बोले, जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ, नज़दीक से बॉल फेंके अंडर आर्म, अंडर आर्म में आपने स्लो बॉल में इसकी प्रैक्टिस करनी है पहले कंटिन्यू मारने की। और शॉर्ट बॉल में भी सेम स्लो बॉल, बॉल को लास्ट तक देखना है। और मारना है, तब जाके ये शॉट आपका परफेक्ट होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सीधे वीडियो देखा और ग्राउंड में जाके, वो भी सीधे मैच में, और इसके लिए आपको हमेशा ही बोलता हूँ 100-200 बॉल आपने कंटिन्यू पर डे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उल्टे हाथ की बॉल है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपने इसमें करना पड़ेगा। अगर थोड़ा थोड़ा मैच में एक दो शॉट मार के, ये कोई प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस के लिए 100-200 बॉल खेलनी पड़ती है। उसके लिए ज़्यादा ज़्यादा बॉल खरीदे, कम से कम 20-30 बॉल खरीदिए आप, जो हल्की वाली होती है, उसी से भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपको पहले ये स्विंग ड्रिल और उसके बाद कंटिन्यू इस शॉट, इस टाइप की शॉट खेलिए, तब जाके आपका ये शॉट परफेक्ट होगा। उसके बाद जैसे कि मैं बताया, फुल लेंथ की बॉल, जैसे आप नज़दीक से थोड़ा सा आपका परफेक्ट होना शुरू हो जाता है, उसके बाद आप धीरे धीरे बॉलर का डिस्टेंस बढ़ाए, फिर फुल पिच से उसको कहिए बॉलिंग करने के लिए, उसके बाद फुल पिच से प्रैक्टिस करिए। और ध्यान रखिए, बैट इसमें हमेशा ही सीधा होना चाहिए, जैसे कि मैं बताता हूँ, ऐसा या ऐसा बैट अगर आपका हो गया तो बॉल डाउन या अप में कैच उड़ जाएगा। तो बॉल कुल लगा के बॉल का इम्पैक्ट सीधा पड़ना चाहिए उसमें, तब जाके आपका ये शॉट परफेक्ट होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।